ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल चमकती किस्मत में। मैं वेद पंडित आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों यहां हम हर रोज़ आपको कुछ ऐसे उपाय बताते हैं जिन्हें अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनाने से आपको आपके कार्यों में सफलता मिलती है। जी हाँ दोस्तों, हम हर रोज़ भगवान गणेश जी से आप और आपके परिवार की कुशलता और सफलता के लिए प्रार्थना करते हैं और उम्मीद करते हैं आप लोग अपने परिवार के साथ एक अच्छा जीवन यापन कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं। दरअसल ये दो उपाय हैं, शुक्रवार के दिन आपको करने हैं। शुक्रवार का दिन शुक्रदेव और माँ लक्ष्मी का दिन माना गया है। माँ लक्ष्मी धन की देवी, तो शुक्रदेव धन दौलत यश वैभव के देव माने गए हैं। दोस्तों यदि ये आप उपाय आपने हमारे बताए अनुसार कर लिया तो विश्वास मानिए इतनी तरक्की आप करेंगे, इतने धन मार्गी के आपके रास्ते खुल जाएंगे, असीम सफलता आपको आपके जीवन में मिलेगी कि आप राजा बन जाएंगे। जी हाँ, और ये उपाय बेहद सरल हैं, आप इन्हें ध्यान से सुने। दोस्तों आपको करना यह है दोस्तों कि आपको शुक्रवार के दिन ही ईशान कोण में अपने घर के एक शुद्ध गाय का शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना है दोस्तों, और उसमें आपको थोड़ा सा केसर डाल देना है, और रुई की बाती की जगह आपको लाल सूती धागे का प्रयोग करना है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, केसर और लाल रंग माँ लक्ष्मी को बेहद प्रिय है। तो ये उपाय आपको करना है, अपने ईशान कोण में थोड़ा केसर डाल के गाय के शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना है और बाती की जगह सूती के लाल धागे का प्रयोग करें। दूसरा उपाय जो है दोस्तों वो ये है कि शुक्रवार के दिन आपको एक लाल कपड़ा बाजार से खरीद के लेके आना है। उसके बाद आपको 5 कौड़ियाँ लेनी है, पीली कौड़ियाँ जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। थोड़ा सा केसर डालना है और इसी के साथ आपको 1 रुपये का उसमें सिक्का रखना है। दोस्तों अगर आपके पास चांदी का सिक्का हो तो और भी बेहतर होगा, आप रख दें उसमें। उसके बाद दोस्तों आप इसका एक पोटली बना लें जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, और इस पोटली को बनाने के बाद दोस्तों आप इस पर गंगा जल छिड़कें, और उसके बाद आप इसे अपने जहाँ भी धन रखते हैं वहाँ आप इसे रख लें दोस्तों। फिर देखें कि आपका जो धन है वह ख़त्म नहीं होगा। ख़त्म नहीं होने से मतलब ये था कि जो अभी तक उसमें जो है वृद्धि होने लगेगी, ऐसा नहीं होगा कि आपका पैसा आने के बाद भी जल्दी ख़त्म हो जाता है, पता ही नहीं चलता कहाँ खर्च हो गया। वह सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और उसमें आपको पता चलने लगेगा कि हाँ आपका पैसा खर्च करने के बाद भी बचा रहता है। उसी के साथ आपके नए नए धन प्राप्ति के नए नए धन मार्ग भी खुलेंगे जहाँ से आपके पास अच्छी मात्रा में धन आ पाएगा। दोस्तों ये दोनों में से आप चाहें दोनों कर सकते हैं, वरना कोई एक भी कर सकते हैं। ये बेहद लाभकारी हैं और सरल हैं, और माँ लक्ष्मी की आप पे असीम कृपा हो जाएगी। एक बार करके ज़रूर देखें, अपने कर्म करते रहिए, कर्म प्रधान है, बाकी आप माता रानी पे छोड़ दें, माँ लक्ष्मी आपका भला करेंगी। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल चमकती किस्मत सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें। अब हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।